जंगल जंगल फिर बात चली। ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट्स फैबुलस फेबल्स ऑफ इंडिया, स्ट्रिक्टली फॉर किड्स एंड द यंग एट हार्ट। जंगल जंगल फिर बात चली में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मीनू खरे से कहानी चूहिया का स्वयंवर। तो चलो सुनते हैं कहानी चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक गुरुजी रहा करते थे। गुरुजी सिद्ध पुरुष थे। तपस्या से गुरुजी को तमाम शक्तियां भी प्राप्त थी। एक दिन गुरुजी नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक चील अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ी जा रही थी। जब चील गुरुजी के ऊपर से निकली तो चूहिया अचानक उसके पंजे से फिसलकर गुरुजी के हाथ में आ गिरी। चूहिया घायल थी। गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही कहीं छोड़ दिया तो चील उसे फिर से ले जाएगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने चूहिया को एक सुंदर सी छोटी लड़की में बदल दिया और उसे अपने साथ आश्रम में ले गए। आश्रम पहुंचकर गुरुजी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा, देखिए हमारी कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना हम इस बच्ची को ही ईश्वर का वरदान समझकर अपनी बेटी की तरह पालें। उसके बाद से उस बच्ची ने गुरुजी के आश्रम में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। लड़की सभी कलाओं में प्रवीण थी और सर्वगुण संपन्न थी। गुरुजी को और उनकी पत्नी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता था। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। पत्नी ने एक दिन गुरुजी से कहा, अब हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए योग्य वर ढूंढना होगा। गुरुजी ने कहा, हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, इसलिए हम उसका स्वयंवर रचाएंगे। स्वयंवर में इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ वीरों को आमंत्रित किया जाएगा। जिसे हमारी बेटी पसंद करेगी उससे ही हम उसका विवाह कर देंगे। अब सवाल था कि ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ वीर कौन है। गुरुजी ने इसके लिए सबसे पहले सूर्य देव को आमंत्रित किया। हे सूर्य देवता जाना, बिटिया हमारी ब्याह जाना। हे सूर्य देवता जाना, बिटिया हमारी ब्याह जाना। फौरन ही सूर्य देव प्रकट हुए। चारों तरफ उजाला ही उजाला बिखर गया। गुरुजी ने पूछा, बेटी क्या तुम्हें सूर्यदेव पसंद है? तो बेटी ने जवाब दिया, सूर्यदेव पूरी दुनिया को यूं तो रोशन है करते, गर्म स्वभाव है बेहद इनका, इससे इनसे मैं डरती। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मुझे न भावे सूर्य सवर, ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाओ जो होवे इससे बेहतर। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्यदेव से बेहतर भला कौन हो सकता है? इस पर सूर्यदेव बोले, मुनिराज मेघराज मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि वो मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मेघराज को आमंत्रित किया। मेघराज मेघराज आ जाना, बिटिया हमारी ब्याह जाना। मेघराज मेघराज आ जाना, बिटिया हमारी ब्याह जाना। मेघराज के आते ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। बिजली कड़कने लगी और जोर की बारिश होने लगी। गुरुजी ने बेटी से पूछा, क्या तुम्हें मेघराज पसंद है? बेटी बोली, मेघराज की उमड़ घुमड़ सुन धक धक जेरा करता है, मनो भरा है पानी, इसमें सब कुछ गीला करता है। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मुझे न भावे मेघ सवर, ऐसा रिश्ता ढूंढ के लावो जो होवे इनसे बेहतर। गुरुजी ने पूछा,
भला मेघराज से बेहतर वर कौन हो सकता है? तो मेघराज बोले, मुनिवर, पवन देव मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि वो मुझे कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। गुरुजी ने पवन देव को बुलाया। पवन देव के आते ही तेज हवाएं चलने लगी। पवन देव को देखकर बेटी बोली, पवन देव का वेग बहुत है, बड़ी जोर से चलते हैं, बार बार ये दिशा बदलते, बड़ा परेशान करते हैं। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मुझे न भावे पवन सवर, ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाओ जो होवे इनसे बेहतर। अब गुरुजी परेशान। पवन देव ने कहा, महाराज, पर्वत राज मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि वो मुझे बहने से रोक सकते हैं। पर्वत राज आ जाना, बिटिया हमारी ब्याह जाना। पर्वत राज आ जाना, बिटिया हमारी ब्याह जाना। इसके बाद पर्वत राज आए, उन्हें देखकर भी बेटी खुश न हुई। पर्वत राज तो अचल अटल है, अति कठोर है इनका मन, इनकी पत्नी बनी अगर तो सुनने होंगे कड़े वचन। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मुझे न भावे पर्वत सावर, ऐसा रिश्ता ढूंढ के लावो जो होवे इनसे बेहतर। अब गुरुजी परेशान होकर सोचने लगे, इसे कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है, कहीं मेरी बेटी अविवाहित न रह जाए। पर्वत राज से अच्छा वर कौन हो सकता है? पर्वत राज बोले, महाराज, मूषक राज मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि वो तो पहाड़ में भी छेद कर सकते हैं। गुरुजी ने मूषक राज का आह्वान किया। मूषक राज आ जाना, बिटिया हमारी ब्याह जाना। थोड़ी देर में एक मोटा चूहा स्वयंवर सभा में आ गया। चूहे को स्वयंवर सभा में देखकर गुरुजी उदास हो गए, पर उनकी बेटी खुश होकर चहक उठी। कितना सुंदर रूप है इनका, आंखें तो मतवाली है, लंबी पूंछ और सुंदर मूंछें सबसे शान निराली है। हाँ पिताजी, मूषक सा मुझे भावे वर, जग में ऐसा कोई न लागे जो होवे इनसे बेहतर। जग में ऐसा कोई न लागे जो होवे इनसे बेहतर। जग में ऐसा कोई न लागे जो होवे इनसे बेहतर। गुरुजी ने अपनी बेटी की इच्छाओं का सम्मान किया और उसे फिर से एक चूहिया के रूप में बदल दिया। फिर क्या था, चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ और बैंड बाजा बारात के साथ चूहिया रानी चल दी चूहे राजा के घर। तो बताइए कैसे लगी आपको ये कहानी चूहिया का स्वयंवर? हमें जरूर लिखकर भेजना और बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से क्या मॉरल आपको मिलता है। आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा, कहाँ, आकाशवाणी फीचर्स पेज पर, और ये पेज आपको मिलेगा फेसबुक पर। और अगर आप ये कहानी नहीं सुन पाते हैं, और भी कोई कहानी नहीं सुन पाए हो, तो बिल्कुल निराश मत होना। और आकाशवाणी AIR जो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर ये कहानी सुन सकते हो। तो ज़रूर लिखकर भेजना, हम इंतज़ार करेंगे आपके मैसेजेस का। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन, गुड डे एंड गुड बाय। अ प्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल इंग्लिश एंड हिंदी फीचर्स यूनिट्स। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन, वॉलंटियर रेडियो। जंगल जंगल फिर बात चली।